उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दलित युवक की पुलिस हिरासत में हुई संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। मामले में अहिरवा पुलिस चौकी के प्रभारी योगेंद्र सिंह और इंस्पेक्टर के अलावा सभी 12 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा 3 मुखबिरों के खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला भी दर्ज किया गया है। गुरुवार को पुलिस हिरासत में वाल्मीकि समाज के एक युवक की मौत हो गई थी। दरअसल चोरी के आरोप में 2 दिन पहले पुलिस ने कमल वाल्मीकि नाम के एक युवक को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया था, लेकिन अगले दिन सुबह पुलिस चौकी में संदिग्ध परिस्थितियों में कमल का शव मिला। पुलिस का कहना है कि कमल ने आत्महत्या की है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि युवक की मौत पुलिस की पिटाई से हुई है। कमल की मौत से नाराज मृतक के परिजनों ने पुलिस चौकी पर पथराव किया और पास की सड़क को जाम कर दिया। कई घंटों तक चले हंगामे के बाद एसएसपी ने मृतक के परिजनों को शांत करवाया। पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर का कहना है कि कमल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को खंगाला जा रहा है, जिसके बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ मृतक कमल के साथ ही हिरासत में लिया गया एक दूसरा युवक राजू भी लापता बताया जा रहा है। फिलहाल राजू की तलाश जारी है। वैसे यूपी पुलिस किसी न किसी मामले को लेकर हमेशा विवादों में रहती है और इस बार भी हिरासत में पिटाई से मौत का आरोप पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करता है। देखते रहिए जीबी लाइव।